तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का, रोटेशनल मैकेनिक्स का। इसमें बोला है कि द डेंसिटी ऑफ अ रॉड ए बी कंटिन्यूसली इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी, है ना। द डेंसिटी ऑफ अ रॉड ए बी कंटिन्यूसली इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी। तो ये इस टाइप का मैं डायग्राम बनाया हूँ, लाइंस की संख्या बढ़ाते गया हूँ ताकि वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करे, है ना। तो यहाँ पर डेंस है और यहाँ पर लाइट है। ओके, नाउ पूछा है कि इज इट इजियर टू सेट इट इन रोटेशन बाय क्लैंपिंग इट एट ए एंड अप्लाइंग अ परपेंडिकुलर फोर्स एट बी, और बाय क्लैंपिंग इट एट बी एंड अप्लाइंग द फोर्स एट ए। तो बोला क्या है ये मैं समझाता हूँ कि इस रॉड को घुमाना किस केस में आसान है। पहला केस, अगर हम ए पे क्लैंप कर दें और बी पे ऐसा फोर्स लगाएं, ठीक है। तो बी पे क्लैंप कर दिया यानी कि हिंज कर दिया, और बी पे ए पे क्लैंप कर दिया और बी पे फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा केस कौन सा है कि यहाँ पर बी पे क्लैंप कर दिया और ए पे ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल है। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट निकालता हूँ क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट, देखो अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट निकालता हूँ तो हैवियर पार्ट दूर में है जबकि लाइटर पास पास में है। जो रॉड का भारी हिस्सा है वो दूर में है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिग्मा एम आर स्क्वायर या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एम आर स्क्वायर या इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर बोल लो, ये होता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो भारी मास जितना दूर रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जबकि अगर मैं बी में रखूँगा पॉइंट को, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, तो अब क्या हुआ, भारी मास पास में रखा हुआ है जबकि लाइटर वाला जो पार्ट है रॉड का वो दूर रखा हुआ है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, यानी कि बी के अबाउट अगर हिंच करता हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आ रहा है। तो बी के अबाउट हिंच किए और यहाँ फोर्स लगाए, तो भाई फोर्स का टॉर्क तो उतना ही डेवलप होगा, ठीक है ना। चाहे इस केस की बात करूँ चाहे सेकेंड केस में अलग से बना दूँ, इस केस को देखो, ये ए है ये बी है। अब मैं यहाँ से हिंच कर दिया और यहाँ फोर्स लगाया, तो भैया दोनों केस में, इस केस में ए के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, इस केस में बी के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, लेकिन दोनों केस में एफ का टॉर्क एक सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है ना भाई। तो फोर्स और लेंथ दोनों केस में केस है तो दोनों केस में सेम है, टॉर्क भी सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से केस में कम है, इस केस में कम है। तो ऐसे रॉड को घुमाना ज़्यादा आसान होगा, ठीक। एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, टाउ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट वुड बी ग्रेटर इन केस ऑफ दिस, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेसर इन दिस केस। ओके, तो थैंक यू।